हमेशा की तरह नॉलेज दुनिया में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत प्लैनेट और तारे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ रहस्यमयी प्लैनेट के बारे में जो बहुत अजीब हैं। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में मरकरी जैसे छोटे, जुपिटर जैसे बड़े और वीनस जैसे गर्म और नेपट्यून जैसे ठंडे प्लैनेट भी हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट बहुत ज़्यादा अजीब हैं। आज उन सारे प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। GJ 1214b द वाटर वर्ल्ड। GJ 1214b एक ओशन प्लैनेट है जिसकी वजह से ये बाहर से नीले रंग का दिखाई पड़ता है। इसके पास कोई लैंड नहीं है, कोई सरफेस नहीं है, ये पूरी तरह समुद्र से ढका हुआ है। हम लोग इसे जुपिटर का गैलियो मून यूरोपा जो है उसका एक बिगर और हॉटर वर्जन कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस प्लैनेट में जीवन की संभावना है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जैसा कि वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ विशाल समुद्र है, तो हो सकता है कि समुद्र के नीचे कोई जीवन पनपने वाला हो या पनप चुका हो, और वहाँ पर कोई विशाल समुद्री जीव भी हो सकते हैं। GLIES 436b अ प्लैनेट डिफाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स। GLIES 436b एक एक्सोप्लैनेट है जो 30 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये फिजिक्स के लॉस को नकारता है। ये प्लैनेट मरकरी से 15 गुना ज़्यादा सूरज के नज़दीक मौजूद है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस है, जिसके बाद भी इसकी सरफेस की सॉलिड आइस की बनी हुई है। तो इतने हाई टेम्परेचर में भी इसकी सरफेस आइस सॉलिड कैसे है? वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, वो हाई ग्रेविटी के कारण सॉलिड आइस में बदल जाता है, और यही साइकिल चलती रहती है इस प्लैनेट में, जिसकी वजह से वाटर हमेशा सॉलिड आइस के फॉर्म में वहाँ रहता है इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद। 55 कैंक्री ई आ डायमंड प्लैनेट। 55 कैंक्री ई सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा डायमंड का बना हुआ है। इसका ज़्यादातर हिस्सा डायमंड का बना होने का कारण ये है कि आप लोग जानते ही होंगे कि डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है, और इस प्लैनेट का ज़्यादातर मास कार्बन का ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ने के कारण इसका जो क्रस्ट में कार्बन था वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट हमारी अर्थ से 2 गुना बड़ा है, मगर हमारी अर्थ जो है वो 8 गुना ज़्यादा मैसिव है इसके कंपैरिजन में। इसके प्लैनेट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, 4417 डिग्री फ़ारेनहाइट इस प्लैनेट का टेम्परेचर है। WASP 12b अ प्लैनेट डेट इज ईटिंग अप लाइट। WASP 12b एक डार्केस्ट एक्सोप्लैनेट है। इस प्लैनेट की सबसे अजीब बात यह है कि इस प्लैनेट का जो डे साइड है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसको एब्जॉर्ब करता है। ये कम से कम 94% लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4600 फ़ारेनहाइट है। इतनी हाई टेम्परेचर होने का कारण ये भी है कि ये अपने तारे के बहुत नज़दीक है। ये जुपिटर से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये हॉट जुपिटर भी कहलाता है। GJ 504b द पिंक प्लैनेट। ये प्लैनेट एक सुंदर पिंक कलर का प्लैनेट है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये मैगेंटा कलर एक्सोप्लैनेट है जो विर्गो कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अभी न्यूली फॉर्म प्लैनेट है, और ये अभी तक हीट की वजह से ग्लो कर रहा है जो इसके सरफेस को मैगेंटा कलर देता है। यही रीज़न है इसकी सरफेस का पिंक कलर होने का, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत दिखता है बाहर से देखने पर। मेरा कहने का मतलब ये है, एटमॉस्फेयर स्पेस से देखने पर ये बहुत खूबसूरत दिखता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसे कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें कि इनको भी नॉलेज मिल सके। नॉलेज बढ़ना अच्छी बात है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आगे नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो। और कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बनाऊँ।